नमस्कार मेरा यहाँ मौजूद सभी लोगों को आज हम सब यही इकट्ठा हुए हैं मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या देश को एक डेडिकेटेड और फोकस्ड रियल स्टेट मीडिया की जरूरत है या नहीं। रियल स्टेट सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे अब तक मीडिया में उतना कवरेज नहीं मिलता है। हमारे पास या एक घंटे का स्लॉट है या आधे घंटे का स्लॉट है या स्पेशल प्रोग्राम्स है उसके लिए, पर कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं इस चीज में कि डेडिकेटेड और फोकस्ड मीडिया रियल स्टेट के लिए हो। आज भारत में पॉलिटिक्स से लेकर क्रिकेट के लिए, बॉलीवुड से लेकर फैशन मैगजीन्स तक, हर चीज के लिए डेडिकेटेड मीडिया है, बट रियल स्टेट जैसे बड़े सेक्टर के लिए डेडिकेटेड मीडिया की कमी महसूस होती है। पर रियलिटी मीडिया इसी चेन को ब्रेक करता है। हम इसी चेन को ब्रेक कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट पे फोकस्ड होगा, रियल स्टेट से जुड़ी हर जानकारी हर खबर लोगों तक पहुंचाएगा। हर खबर हर जानकारी और उनसे जुड़े सुझाव और समाधान realtymedia.in पर सभी लोगों को मिलेंगे। अब इसी विषय पर हमारी वेबसाइट और रियलिटी मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं कंपनी के सीईओ मिस्टर ध्रुव शर्मा को इन्वाइट करता हूँ। सर प्लीज। थैंक यू विकास, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं रियलिटी मीडिया एक्सपर्ट मीट में। इससे पहले कि मैं रियलिटी मीडिया के बारे में कुछ बताऊं, मैं चाहूंगा कि रियल स्टेट सेक्टर क्या है इसके ऊपर एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा आप लोगों को। रियल स्टेट सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ये 6-7% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। वैसे 14 सेक्टर है, उनमें से रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तीसरे नंबर पर है जो कि इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 35 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ का बिजनेस रियल स्टेट सेक्टर कर रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 तक 180 अरब डॉलर का बिजनेस देगा रियल स्टेट। 180 अरब, जैसे हम अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ऐसे ही रियल स्टेट इंडिया का रियल स्टेट ये शायद से ऐसी छवि है जिससे आप रूबरू ना हो, एक ऐसी डार्क साइड है। इंडियन रियल स्टेट अभी में एक अनटच्ड मार्केट है, एक फोकस्ड डिजिटल मीडिया, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये रियल स्टेट सेक्टर बनता है चार एस्पेक्ट से, इन चार पहलुओं से। सबसे पहला है बिल्डर डेवलपर, दूसरा है उसके एम्प्लॉयज, तीसरा है चैनल पार्टनर्स ब्रोकर एडवाइजर्स, और चौथा है बैंक हम लोग। हो सकता है आप सभी लोग इस सेक्टर से जुड़े हो या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। आज मुझे इस सेक्टर में काम करते हुए 7 साल हो चुके हैं। आज 7 साल के इस टेन्योर में मैं एक बिल्डर रह चुका हूं, मैं एक एम्प्लॉय रह चुका हूं, मैं चैनल पार्टनर ब्रोकर रह चुका हूं और मैं क्लाइंट भी हूं। इन सभी पहलू एस्पेक्ट्स को करीबी से देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई भी पहलू, कोई भी एस्पेक्ट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इतने स्कैम्स, फ्रॉड्स, बोगस स्कीम्स, पॉलिसीज, कोई पॉलिसीज नहीं, और ट्रस्ट इस सेक्टर में जीरो हो चुका है। तो एक आम इंसान इस सेक्टर में कैसे काम करेगा? इसी सोच से मुझे यह एहसास हुआ कि एक जागरूक नागरिक, भारत का एक जागरूक नागरिक होने के लिए मेरी कुछ या हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि हम देश के लिए कुछ करें। मैं इस सेक्टर से हूं तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी सेक्टर में कुछ किया जा सके। आज देश की जो दुर्गति हो रखी है सर, वो इसलिए नहीं है कि कुछ बुरे लोग बुरा काम कर रहे हैं, वो इसलिए है कि कुछ अच्छे लोग खामोश हैं, वो चुप हैं। तो आज इस खामोशी को मैं तोड़ रहा हूं, आज इस चुप्पी को मैं तोड़ रहा हूं और इसका आगाज मैं रियलिटी मीडिया फोरम के द्वारा कर रहा हूं। रियलिटी मीडिया फोरम इंडिया का सबसे पहला फोकस्ड ऑनलाइन डिजिटल मीडिया है रियल स्टेट सेक्टर में, जिसमें आपको कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन या इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या का हल मिलेगा आप सभी के सहयोग से, आप सभी के एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस की मदद से। रियलिटी मीडिया सभी एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डर, एम्प्लॉय, ब्रोकर और क्लाइंट, इन सभी पे काम करेगा।
हम उन बिल्डर्स को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने आज तक पोजीशन ही ना दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको डिलीवर ना करा हो। कुछ तो ऐसे हैं जो कि लोगों का पैसा लेके भाग चुके हैं, वो एम्प्लॉइज हैं जो कि रात दिन मेहनत करते हैं, उनके इंसेंटिव नहीं मिले, उन्हें उनको सैलरीज नहीं मिली है। चैनल पार्टनर्स है, ब्रोकर्स हैं जो कि धूप में घूमते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कंज्यूमर्स को, उनकी कमीशन रुकी हुई है या मीलिंग देने से ही मना कर दिया। और क्लाइंट एक आम आदमी जो पाई पाई जोड़ के एक घर का सपना देखता है, उसको आज की तारीख में घर ना मिला हो। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए ग्राउंड लेवल पे उतर के, सड़क पे उतर के हम लोग उनके लिए सॉल्यूशन देंगे। यही नहीं, ये है एक अलग पेज। दूसरा फेज रियलिटी मीडिया का है कि जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, साफ काम कर रहा है, उसके सपोर्ट में भी रियलिटी मीडिया खड़ी रहे। यही नहीं कि हम एक बिल्डर जो काम गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट हैं, हम उनके साथ भी हैं जो कि सही काम कर रहे हैं। उनके लिए हम डिपार्टमेंट से लड़ाई करेंगे कि आज तक इनको एनओसी क्यों नहीं मिली, क्यों आप इनके लिए पॉलिसीज लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो दोनों एक्सपेक्ट रियलिटी मीडिया के हैं। रियलिटी मीडिया फोरम जो कि है realtymedia.in पे कोई भी यूजर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और वो उसको किसी भी तरीके के रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकता है हमारे पैनलिस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से जो कि है आप लोग। एक एक्सपर्ट और एक पैनलिस्ट रियलिटी मीडिया से जुड़कर एक ही प्लेटफॉर्म पे टाइमिंग लाखों लोगों से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि समस्या पे अगर हम उतरने पर आए तो लाख लोग नहीं है, वो करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये समस्या है। आज की तारीख में 40 लाख करोड़ फिगर सुनने में बहुत बड़ी लगती है, तो भी ऐसी दुर्गति है सेक्टर की। मैंने कहा 180 अरब डॉलर, फिर भी आज सेक्टर की हालत बहुत खराब है। तो ऐसे में सभी एक्सपर्ट्स जो रियलिटी मीडिया से जुड़ते हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सभी को अपनी सर्विसेज देने का मौका मिलता है, वो आप चाहे उनको एक प्रोफेशनल वे में दीजिए चाहे एक सोशल कॉज। आज की तारीख में रियलिटी मीडिया दिल्ली एनसीआर से शुरुआत कर रखा है और आने वाले समय में हम राजस्थान से करेंगे, उत्तराखंड जाएंगे, जेएनके जाएंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में हम अब्रॉड कंट्रीज को भी फोकस करें। इसके अतिरिक्त आने वाले 2-3 महीने में रियलिटी मीडिया एक मैगजीन लॉन्च करने जा रहा है जिसमें हमारे टॉप एक्सपर्ट के व्यूज, उनके ब्लॉग्स मेंशन होंगे, क्या समस्या चल रही है रियल एस्टेट में, वो पॉइंट ऑफ व्यूज, कौन से बिल्डर्स ने अच्छा किया है अभी तक, किन लोगों के स्कैम्स पकड़े गए हैं, ये मिली जुली जानकारी उस मैगजीन में रही। यही नहीं, आने वाले टाइम में जो एक असली विजन है रियलिटी मीडिया का कि आने वाले समय में कोई भी टेक्नोलॉजी देश विदेश में जो आ रही है रियल स्टेट में, चाहे वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकलिटी में हो, उससे रूबरू कराएगा रियलिटी मीडिया आम लोगों को, आम जनता। इसी के साथ मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने मार्गदर्शक और इस मुहिम के प्रणेता श्री निरंजन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो सामने आए और इस शानदार मुहिम का वो इनॉग्रेशन करें। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इस फोरम के लिए। ये हमारा साइन अप पैनल है, जो भी नॉर्मल यूजर होगा वो अपने आप को यहां पर रजिस्टर करेगा इस तरीके से। अब आप हमारे प्रोफेशनल पार्टनर हैं, आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या आप एक सोशल कॉज के लिए लोगों के लिए सामने आना चाहते हैं, तो ये हमारे पैनल्स हैं। आप CACS के उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर एज एन एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आर्किटेक्ट के उसमें कर सकते हैं, प्रोफेशनल पार्टनर कर सकते हैं, ये इंटीरियर डिजाइनर के उसमें कर सकते हैं आप रजिस्टर अपने आप को। इस तरीके के आंसर्स होंगे जो आप लोग देना चाहेंगे, जिसका जवाब आपको पता होगा, आपको लगता होगा कि इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं हो सकता उस चीज का, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका आंसर टैब में। ये है हमारे एक्सपर्ट प्रोफाइल। जो भी आप प्रोफाइल बनाएंगे एज अ सीए या लीगल एडवाइजर या प्रोफेशनल पार्टनर्स, आपकी प्रोफाइल ऐसे होगी सर्च। तो आने वाले समय में हो सकता है आपकी रैंकिंग आए उस पे कि मिस्टर राकेश दीवान ने फॉर टाइम बीइंग इतने टाइम में इतने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं, ये इतना ज्यादा एक्टिव है साइट पे, तो जो रूट डाइवर्ट होगा वो मिस्टर राकेश दीवान पे ज्यादा होगा।
कोई भी ब्लॉग इस सेक्टर से रिलेटेड आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए या ये पहलू से लोग अवगत नहीं है, उसको आप ब्लॉग्स के रूप में यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और ये है इस फोरम का फ्रंट एंड। ये कुछ रिलेटेड इंटरव्यूज हैं जो कि रियाली मीडिया की टीम ने, बैक एंड टीम ने इनको कराए हैं, जिसमें सीएज हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं जो कि इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं, विक्टिम्स हैं, उनके साथ ये इंटरव्यूज कंडक्ट करें। ये हमारा सीएसए ऑल बी प्रोफेशनल पार्टनर्स टैब। इस तरीके से टॉप क्वेश्चंस होंगे जो भी लोग पूछेंगे वो यहां पर रिफ्लेक्ट करे जाएंगे कि क्यों मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए आज। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बट ये जो फोरम है ये बेसिकली है कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है सेक्टर की, उसके सॉल्यूशन के लिए है। ये आपके ब्लॉग्स होंगे, आने वाले समय में इसी फोरम में हम लोग स्टेट वाइज एक्सपर्ट पैनल अपने चूज करेंगे और उनको बनाएंगे। ये है रियलिटी मीडिया फोरम जो पूरी तरीके से है। मैं आग्रह करूंगा सर से कि वो आकर आए और कुछ आए हुए मेहमानों का वो स्वागत करें। मैं विंग कमांडर सतीश मल्होत्रा जी को आगे आने के लिए कहूंगा कि वो आगे आए और सर से ही सैयद अंसारी जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आ गए हैं। सैयद अंसारी जी सीनियर एंकर हैं आज तक के। संजीव चौहान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आ गए हैं। संजीव चौहान जी सीनियर एंकर आज तक। अरुण वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आ गए हैं। अरुण वर्मा जी जीएम शेड्यूलिंग आज तक। मिस प्रज्ञा तिवारी जी को मैं कहूंगा वो आ गए हैं इंडिया टुडे से। एस एन पांडे जी सीनियर एडवोकेट। राजेश सुदन जी साथ रखता हूं। एस सी राजन जी के द्विवेदी जी सर मैं आपसे अनुग्रह करूंगा एक बार आगे आइए। मैं फ्लोर ओपन रखता हूं आप सभी के लिए कि किसी भी तरीके के सजेशंस हो हमारे लिए कि हम इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई सजेशन हमारे लिए कि हम इस चीज को और कैसे
इसको और इफेक्टिव कर सकते हैं इस तरीके को, तो किसी भी तरीके का सजेशन और आइडिया प्लीज, द फ्लोर इज ओपन, क्योंकि आप सबकी ही मदद और आप सबके सहयोग से इस चीज को हमें करना है, तो आपके सजेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं चाहूंगा कि जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपके माध्यम से कोई अपनी प्रॉब्लम बताई है, आपने उसमें कोई इनिशिएटिव लिया है, तो अगर इसमें आप कोई ट्रैकिंग सिस्टम रखें ताकि लोगों को पता लगे कैसे आपने ट्रैक किया उसको, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम ने सब बना रखा है कि पर्टिकुलर टीम जो होगी उस इंसान के लिए या जो भी विक्टिम होगा उनके लिए डेडिकेटेड रहेगी वो, कि पर्टिकुलरली सपोजिटली किसी भी जगह पे, आज मैं कहता हूँ चादर के बोरी में किसी ने नोएडा में फ्लैट लिया है, आज उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनका टाइमली पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो डेडिकेटेड जो हमारी टीम है उनका ट्रैक रखेगी कि सर आपसे डॉक्यूमेंटेशन हमें ली, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, उसकी जानकारी के बाद देन हम उससे आगे जो भी हमको सॉल्यूशंस हम सीक आउट करेंगे वैसे हम करेंगे, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड जैसे होते रहेंगे तो हमारे खुद फोरम में ही हमारी नंबरिंग चलेगी कि टुडे मिस्टर एंड मिस्टर एक्स वाई जेड इनकी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर लिया एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग अहेड। इस तरीके से सर हम लोग बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और कोई सजेशन? पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिले इन पोजीशन हो रहा है, जब क्वेरी की जाती है तो फाइनली पता चलता कि जो पीस ऑफ लैंड देयर क्लेमिंग की उनको अलॉट किया गया है या उन्होंने एक्वायर किया है, वो पीस ऑफ लैंड किसी ग्रीन जोन में था या कहीं डिपार्टमेंट पे, कोई क्वेश्चन रेज करना कि आपने एनओसी क्यों दी, आपने नक्शा प्रूफ क्यों करा एट अ पॉइंट अप्रूवल के बाद। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि हमने उनको एक स्कैनिंग उसमें रखना चाहिए मोड में, सर्वे मोड में रखना चाहिए, तो वो भी कर रहे हैं हम सब। एक प्रोजेक्ट है जो भी लॉन्च हुआ है, विल स्कैन द प्रोजेक्ट कि आपने जिस जमीन पर बनाया है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम पूरी उसको रिसर्च करके तब हम उसको अपने फोरम पे डाल सकते हैं। यस, पॉइंट वेल पॉइंट सर, वी कैन डू दैट। हेलो, आई आल्सो हैव अ सजेशन। जैसे जो बीइंग अ लॉयर मैंने देखा है कई बार क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी का, वो सब लोगों को प्रॉपर्ली नहीं पता होता है कि व्हाट वुड बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रार के सामने अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या उसके सामने होता है प्रोसीजर। तो एक उस तरह का एक फ्लो चार्ट होना चाहिए फॉर ऑल द पीपल, सो दे आर अवेयर कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, हर जगह क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कितनी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कई जगहों पे आपके तहसील होते हैं, आप यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली, सो आई थिंक एक वो चीज जरूर होनी चाहिए लोगों के लिए ताकि उनको पता हो कि ये प्रोसीजर होगा। व्हाट वी कैन डू इज लाइक सर इज आल्सो देयर, वी कैन मेक अप अनदर टैब, सर एक टैब बना दिया जाए जिसमें लिखा हो रोड मैप डूज एंड डोंट्स बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो उसमें वो डिफाइन कर दिया जाए कि आपको पहला जो डूज है आपको ये करना है, किससे आपको सलाह लेनी है, कैसे जाना है, वो हर एक स्टेट वाइज बना दिया जाए, क्योंकि हर एक स्टेट में हो सकता है लॉस डिफरेंट हो प्रॉपर्टी बाइंग। थैंक यू सो मच मैम, कोई अलग सुझाव, कोई भी सजेशन? क्योंकि अभी हमने ये साइट देखी नहीं है, लेकिन सजेशन एक ये है कि जो मौजूदा लॉ है जिससे हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जो लोग जिन लोगों ने ठगा है जी, जी। तो क्या उसकी जानकारी इस पे है कि अगर नहीं है तो उसको डलवा सकते हैं सर, जो ऑलरेडी कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग लॉज है जो सरकार ने जो बना रखे जी, जो अभी हाल में भी एक नया बिल पास हुआ है, बिल पास हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता, वो कंज्यूमर फोरम में जाएं, वो कोर्ट में जाएं, क्या करें, वो सजेशन तो आप देंगे लेकिन उसके पहले वो होमवर्क कर सकें जी, तो एक ही जगह एक ही विंडो पे अगर उनको सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बिल्कुल सर, तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया होगा, क्योंकि मैं भी यही फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, तो वो जैसे मैम ने भी कहा वो भी हम रोड मैप में ही डाल सकते हैं सर, कि रोड मैप में हम उनको जितने भी पॉलिसीज अभी करंटली चल रही हैं और जो आ चुकी हैं वो हम उसी रोड मैप में डाल दें, कि आपको प्रोसीजर पता चल गया प्रॉपर्टी खरीदने का, अब उससे रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज क्या हैं, वो हमने पूरा बना के उसमें और डाल दिया।
नहीं, थोड़ा सा आप शायद संजय जी की बात समझ नहीं पाए। जो हम समझे हैं, जिन लोगों ने अभी फ्रॉड किया है, जो बिल्डर्स हैं, बहुत सारे केसेस चले, आपने देखा होगा, मीडिया ने बहुत सारे केसेस आप लोगों के सामने भी रखे, तो वो जानकारी भी आप दें, नाम भी दें, है ना। और दूसरा एक सजेशन ये है कि क्या आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी टीवी चैनल, किसी भी मीडिया ग्रुप की तरह सिर्फ परेशानियों को सामने रख देंगे, थोड़ी बहुत परेशानियों को दूर करने की भी बात आप कर रहे हैं, और उसके बाद भूल जाएंगे या उसका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे? सर, या हमें लगता है कि ये बहुत आपका बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा ये प्रयास है, और ये कामयाब तभी होगा। शुभकामनाएं आपको आपकी कामयाबी के लिए, लेकिन कामयाब इसको तब होना चाहिए जब आप इसे एक मिशन के तौर पर चलाएं, और ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, संजय जी को, कलुल साहब को, तो वो प्रॉब्लम्स आपने रख दी, हम ही लोगों ने उसका सलूशन दे दिया, उससे कोई मतलब हल नहीं निकलने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एडवोकेट आकर अपनी सलाह दे देंगे, सीएस अपनी सलाह दे देंगे, सलाह से कुछ नहीं होगा। ये आप ऐसा कोई आपको सॉल्यूशन देना होगा, ऐसी कोई चीज आपको देनी होगी जिससे असर हो, और वो असर सबसे ज्यादा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे कस्टमर्स पर, बायर्स पर, तो ही होगा। क्योंकि आपने भी जिक्र किया, पोजीशन नहीं मिल रहा है, सालों हो गए, तीन तीन चार चार साल डिले हो रहा है। पहले जब हम जाते हैं फ्लैट खरीदने तो कहा जाता है कि आपको 2016-17 में मिल जाएगा, उसके बाद इस उम्मीद से इंसान खरीदता है कि ठीक है, तब हमें इंस्टॉलमेंट ही देना होगा, हम अपने घर में शिफ्ट कर जाएंगे, अपने फ्लैट में रेंट हमारा बचेगा। लेकिन तीन चार साल आप अंदाजा लगाइए कि रेंट भी जा रहा है, इंस्टॉलमेंट भी जा रही है, कितना ज्यादा प्रेशर आ जाता है। क्या कोई सोल्यूशन आप दे पाएंगे? क्या कोई लीगल हेल्प आपकी तरफ से होगी? क्या आप उसे अडॉप्ट करेंगे उस कस्टमर को, और उसकी सारी परेशानियों को आप अपने ऊपर लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ये कर सकते हैं? और तभी हमें लगता है तभी लोगों का भरोसा होगा, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, और ऐसा करना चाहिए, हमारा विचार। थैंक यू। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी कहा कि जो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, दैट इज ऑन गोइंग, एक पर्टिकुलर न्यूज आ गई, मैंने एक बंदे की किसी की हेल्प कर दी, तो दैट इज नॉट द विजन। वो विजन नहीं है सर हमारा। न्यूज और इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो मेन विजन है हमारा, मिशन है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने सर अपनी उस प्रेजेंटेशन में कहा था कि चाहे ग्राउंड लेवल पे हमें क्यों ना करना पड़े, और ये जो शुरुआत है वो हमें ग्राउंड लेवल पे ही करनी पड़ेगी, इसका कोई तरीका नहीं है सर। सॉल्यूशन जो है हमें सड़क पे उतर के लेने पड़ेंगे, हमें उतरना पड़ेगा सर सड़क पे। हम एडवाइस दे सकते हैं सर किसी भी तरीके से। एक कहावत थी सर कि आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप अकेले जाइए, और यदि आपको कहीं दूर जाना है तो आप किसी के साथ जाइए। तो सर वो साथ चाहिए होगा हमें आप सभी का, कि एडवाइसेस क्या है, जैसे सभी सजेशन राउंड हो रहा है, उसी प्लेस सर चाहिए कि एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या रहेंगे हमारे पास। हो सकता है कि सर के पास कोई अलग ओपिनियन हो कि इस तरीके को इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आप सुन ही नहीं पाएगा। सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो दो बात कहना चाहते हैं जो संजय ने कहा था कि क्या आप उन लोगों को एक्सपोज करेंगे, उन बिल्डर्स को एक्चुअली कर रहे हैं। पहली बात, अगर इसमें आप कामयाब रहे उन्हें एक्सपोज करने में, जी सर, तो एक तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, जी सर, और वो लोग भी डरेंगे उसे देखकर, दूसरे बिल्डर्स, दूसरे डेवलपर्स भी डरेंगे कि हमें ये सब नहीं करना है वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, जी सर। और दूसरा ये कि सॉल्यूशन क्या आप देंगे? मुझे जो प्रॉमिस किया गया था जब मैंने अपना फ्लैट बुक किया था, दो साल बाद कहा जाता है कि नहीं, आपको यही और इतना पैसा और देना है, और इस तरह से देना है, और इसलिए देना है। अब एक बायर के पास, एक कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है पैसा देने के सिवा, क्योंकि उसे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और जब तक कि पूरा एक 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 पाई आप नहीं चुका देते। ये दो मुद्दे हैं सिर्फ। एक तो क्या आप एक्सपोज करेंगे बहुत अच्छी तरह से, बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए,
और दूसरा क्या आप अडॉप्ट करेंगे? अडॉप्ट करके आप भूल जाइए। मुझे इस साल ये प्रॉमिस किया गया था, मैं आम आदमी हूँ, ये मेरे पेपर से, इसमें कहीं छोटा सा नीचे एक लाइन टर्म्स एंड कंडीशन में था जिसे बेस बनाकर वो लोग मुझसे और पैसा ले। तो क्या आप उसे अडॉप्ट करेंगे कि अब आप भूल जाइए, आप घर बैठ जाइए? ये तीन साल जो आपको डिले किया, तीन साल का जो आप रेंट दे रहे हैं, वो रेंट हम आपको दिलवाएंगे, हमें लगता है तब आपकी कामयाबी। बिल्कुल सर, वही करेंगे सर हम। Any more suggestions? Actually, इसी बात पे जो मैंने एक चीज कही थी, वो ये कि जैसे साथ चलने की बात है, अगर हम साथ चलते हुए, जी सर, जो एक सबसे पहला इश्यू जो मेरे दिमाग में आता है, जी सर, जो मैंने न्यू प्रोजेक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स को लेके मतलब उठाया, मैंने एक्चुअली पर्सनली खुद एक बार कोशिश की थी, पर वो किसी वजह से बीच रास्ते में ही रह गई, अकेले होने की वजह से आप कह सकते हैं, जी सर। वो ये कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, क्या हम लोग इस मीडिया के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑल रजिस्टर्ड मेंबर्स, क्या हम गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट एजेंसीज जो हैं उनको इन्फ्लुएंस और फोर्स कर सकते हैं कि इन एडवर्टाइजमेंट्स को पहले वो सेंसर करें? सेंसर व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सेंसर, इट्स नॉट इन दैट वे, सेंसर मीन इसको स्क्रूटनाइज करें, इसके ऑथेंटिसिटी को देखें कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो क्लेम कर रहे हैं वो है कि नहीं है, दूसरा जो भी मतलब उसके लिए उनको गवर्नमेंट से वो क्लेम कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, क्या उसके लिए कुछ प्रोसेस इनिशिएट भी हुआ है या नहीं हुआ है, ओनली देन द न्यूज़पेपर शुड बी अलाउड टू एक्सेप्ट दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन। इफ अ एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश्ड विदाउट दैट काइंड ऑफ क्लियरेंस, द न्यूज़पेपर आल्सो शुड बी हेल्ड लायबल फॉर यू नो वाइकेरियस लायबिलिटी और व्हाटएवर इट इज सर। लेकिन एक वो एक अलग आइडेंटिटी नहीं हो जाएगी? इफ EY wants to publish a paper of an ad, तो वो मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ उस चीज को? हम उसको न्यूज़पेपर को नहीं रोक रहे, हम जो है कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट या बिल्डिंग बायलॉज या बिल्डिंग जैसे ये हुडा हो गई, राइट, रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे आप ने क्वेश्चन में मेंशन जी, अगर एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर बने, this all advertisement, anybody wants to promote a project and उसके लिए advertisement को देना चाह रहे हैं, that advertisement first be submitted to this regulatory authority for clearance, then only it should go to the newspaper. बिल्कुल सर, we can do that. Then there is a clearance from the regulatory authority, then they should pass. तो हम सर उस authority को push कर सकते हैं इस चीज में कि हम ऐसे कुछ बिल पास करें कि इसके अलावा आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, और neither the print media should accept that advertisement. Without the clearance, they should. Without the clearance, thank you. Any more suggestions? मेरा एक क्वेश्चन था आपने। हाँ सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने सर न्यू इनिशिएटिव बीइंग एक्सप्लोर्ड। Right, सर। तो जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ मुंबई में, वहाँ मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी स्कैम हो जाता है, तो मैं क्या आप लोगों को आने के तक का इंतजार करूंगा या मैं कहीं पे भी आपको अप्रोच कर सकता? नहीं सर, कहीं पे भी कर सकते हैं आप अप्रोच। धीरे धीरे सर हम अपना क्या है नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं अभी कहा कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एनसीआर एंड सून वी विल बी मूविंग टू अदर स्टेट्स एज वेल। हम उत्तराखंड में भी जा रहे हैं और हम इधर भी जा रहे हैं, ये अभी मुहिम स्टार्ट करी हमने। एंड मोर आप जैसे करें सर, बॉम्बे में आपके साथ कुछ हो गया है या कुछ स्कैम आपके साथ हो गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर हम वहां पे प्रेजेंट हुए, उस जगह पे हुए, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे मेरे फोरम पे कि मैं आज यहाँ पे मुंबई में बैठा हूँ और मेरे से ये स्कैम हो चुका है, क्योंकि फोरम ओपन है अभी, तो उस पे भी हम लोग इनिशिएटिव लेंगे। जैसे ऑल इंडिया फोरम आपको? एग्जैक्टली सर। तो इसमें जैसे ऑनलाइन आपका सारा सिस्टम बनाया जी, पोर्टल जी, तो ऑनलाइन में तो ये इट इज नॉट नेसेसरी कि आदमी दिल्ली में बैठे या मुंबई में, वही बिल्कुल सर। लेकिन जो पैनलिस्ट हैं, जो भी हम टीम बना रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स की टीम बना रहे हैं, दैट इज अभी दिल्ली एनसीआर में है अभी, वो हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ सकता हूँ कि सर की सर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो बॉम्बे में बैठे हैं, उनके साथ ये हो चुका है और इतने टाइम से उनके साथ हो रहा है, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का, वो ये सब चीज़ ट्राई करके देख चुके हैं, तो उनकी सलाह से उनकी एडवाइस से हम आपको फिर उस चीज़ का आंसर देंगे अपने ही फोरम पे, उन एक्सपर्ट को सपोर्ट भी करेंगे। एग्जैक्टली सर, चाहे हमें क्यों ना आना पड़े वहाँ पे, हमारा टीम मेंबर आया आपसे पूछ के, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करे कि आपसे मैं कहूँगे साहब मुझे मेल कर दीजिए डॉक्यूमेंटेशन, आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करने के बाद विल टेक द नेसेसरी एक्शन।
इसमें एक छोटा सा सजेशन था मेरा, जैसे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए कैंपेनिंग चाहिए, थोड़ी क्रांति चाहिए समाज में, लोगों को जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इसको इतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसके लिए डॉट यू थिंक कि मीडिया एक बहुत अच्छी सपोर्ट कर सकती है आपको, आपकी एक इंडिविजुअल मीडिया आपने बनाया था, जैसे देश की मीडिया है उसके पास आप जाके ये सपोर्ट मांग सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे, हर जगह पे इस मीडिया के बारे में। एग्जैक्टली सर, वो आगे आने वाले समय में क्या विजन है कि हो सकता है हम अपना एक चैनल लॉन्च कर दें जो कि डेडिकेटेड ऑडियोस्केप के लिए, वो हम कर सकते हैं आने वाले टाइम में, सपोर्ट भी लेंगे सर हम कि हाँ इस चीज को हम क्रांति को, इस नई चीज मार्केट में आएंगे, तो यस एक सोशल कॉज के लिए हमको ये चाहिए, लोगों की जागरूकता के लिए आपको इसमें आगे आना चाहिए। सॉरी टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, इसमें साउंड सम थोड़ा सा आपको ऑफेंसिव लगेगा, जैसे आपने रियलिटी मीडिया बनाया तो कहीं किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी ऐसे चीज को मतलब प्रमोट करने के लिए इस तरीके की मीडिया बनाया है, और जब उसको हम किस तरीके से स्क्रूटनाइज करेंगे, पॉइंट करेंगे कि यू आर ऑल्सो जनरल मीडिया। सर जो टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, द एक्सपर्ट्स विद दैट विल बी देयर विद अस, उनके नाम भी इतना काफी होगा कि उसको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू आवर होमवर्क कि हमने पहले इतने सॉल्यूशंस दे दिए हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उतरे हैं, हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, उस वे में हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में आए हैं, तो उसमें कोई सवाल रहेगा कि हाँ हमारा कुछ इसमें अलग मोटिव आ सकता है इस चीज में कि हमने एक विक्टिम है जो इतने टाइम से उनको आ रहा है, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। अब वो हो सकता है कि हम वो बोगस भी हो सकता है कि मैं किसी को कहीं से प्रोडक्ट लगा मेरे साथ आपको ये बोलना और ये इंटरव्यू कर देना, तो दैट वोंट हैपन बिकॉज उनकी सारी डिटेलिंग मेरी फोरम पे रहेगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कितनों के बात कर लूंगा मैं सर ऐसे सॉल्यूशन। अभी हमने एक छोटा सा कैंपेन चलाया आम्रपाली में, जितने भी बंदे अभी फंसे हुए हमने उनका डेटा कलेक्ट किया, उनको SMS करवाए, उनको व्हाट्सएप किया, उन लोगों से जाके मिले क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी सी शुरुआत हमने की। लेकिन आज आप देखेंगे कि बाकी मीडिया में अब न्यूज आने लगती है कि अनिल शर्मा कब गिरफ्तार, तो हमने थोड़ी जागरूकता फैलाई, उन लोगों से मिले, उनके जैसा कि ध्रुव जी बता रहे थे कि मीडिया का मतलब हम कतई ये नहीं कह रहे कि हम एक मीडिया हैं जो खबरों को प्रसारित करते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, हम सॉल्यूशन के लिए ही बने, हम फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, किसी की प्रॉब्लम होती तो उसके लिए हम खड़े हो गए आगे, बैक सपोर्ट तो उनका चाहिए, साथ तो सभी का चाहिए, लेकिन फ्रंट हैंड पे हम लड़ेंगे, चाहे वो सरकार से लड़ना पड़े, चाहे वो कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे वो फिर कोई भी नहीं मानता है तो अंत में क्या करता है, जैसे अन्ना हजारे की किसी ने नहीं मानी तो वो जंतर मंतर पे बैठ गए भगवान, तो चाहे वो करना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये क्रांति तो हम सबको लानी पड़ेगी, सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्कैम हो जाती है, तब आप पिक्चर में आएंगे, लेकिन ऐसे आप प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो, वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ कम करते हैं, जैसे मल्होत्रा साहब ने बोला ऐसी कोई कुछ बनाएंगे, जैसे वैसे तो रेरा अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम्स वैसे भी कम हो, अभी तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंसे हुए, कोई विघ्नेश्वरा में फंसा हुआ है, आम्रपाली में फंसा हुआ है, हो सकता है कल को सुपर टेक में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, कौन कौन से ऐसे बिल्डअप इन फ्यूचर प्रॉब्लम में आने वाले हैं और उससे कितने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट, हमारा फोकस सिर्फ क्लाइंट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे, वो भी इस पोर्टल पर आएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा करेंगे तो फोकस डेवलप हो जाएगा, फिर जो आप देंगे हमसे जो लोग जुड़ेंगे, कुछ साथ जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, तो कुछ लोगों का चार्टर साथ जुड़े हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बताएंगे लोगों को, ये लीगल के लिए बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए हम एक एक्सपर्ट्स का पैनल बना रहे हैं, और उनमें सभी लोगों को शामिल करेंगे, उसमें चार्टर अकाउंटेंट भी होंगे, उसमें आर्किटेक्ट भी होंगे, उसमें इंटीरियर डिजाइनर भी होंगे, ताकि हम वो सुविधाएँ भी अपने क्लाइंट को दे सकें, हमारे एक्सपर्ट्स दे सकें, हम उसमें नहीं आएंगे, हम बिजनेस करने वाले
माइंड सेट से नहीं चल रहा है। बिगनिंग में आना भी नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करने। अगर आप इसको लाइन अप सजेस्टिंग सर्टेन फिल्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, यू विल लूज योर इमेज। एनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो ये ऑलरेडी चल कर रहे हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं कर्नल साहब से और आपसे। शर्मा जी ने जो बात कही वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो फोरम की बात पहले आपकी गई थी, आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये फोरम है ओपन, उसे कर देंगे ओपन, फोरम हो जाएगा तो वो फेसबुक बन जाएगा, ट्विटर बन जाएगा, व्हाट्सएप बन जाएगा, उस पर जो फेसबुक पर होता वो होने लगेगा, फेवर में अगेंस्ट में बहुत सारे पोस्ट आने लगेंगे और कहीं ना कहीं, क्या आपको नहीं लगता? पहला सवाल ये। दूसरा ये, क्या आप आज ये कह सकते हैं कि हम कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं करेंगे या किसी भी बिल्डर को प्रमोट नहीं करेंगे, उसके प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे? जो भी कर्नल से आपने भी कहा और संजीव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों की बात का एक साथ आप जवाब दें। बहुत अच्छी कोशिश है सर आपकी, और जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मीडिया आपको सपोर्ट करेगा। जो आप चाहते हैं कि आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो दुनिया तक पहुंचें तो मीडिया उसमें आगे आएगा। हम खुद ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिनकी स्टोरीज हम दिखा पाएं, एक नज़ीर बनती हैं चीज़ें समाज में। बिजनेस मॉडल क्या है हमारा, हम किस तरह से सस्टेन करेंगे मॉडल इस समय मार्केट में इस सोच के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो शार्क्स हैं जो आपको डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम साथ हैं आपके, लेकिन हम सस्टेन कैसे करेंगे? जैसे कि कोई आपसे जुड़ा अपनी प्रॉब्लम के साथ, वो कैसे इस उम्मीद में जुड़े कि साहब कोई हमारी आवाज़ दबेगी नहीं और ये भी नहीं दबेंगे, हमारा ये सफ़र लंबा चलेगा। तो मॉडल हमारा क्या है? बिजनेस मॉडल तो अभी हमने एज ए सोशल कोच जिसको स्टार्ट किया। जी जी, तो सोशल कोच में कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता शुरू। जी जी बिल्कुल, अर्निंग कहाँ से होगी, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां आप लोगों की, जिम्मेदारियों की कि मुझे अगर किसी को ये सर्विस देनी है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो सुदान साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो ये उस सर्विसेज को देंगे। अरुण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लीगल सर्विसेज क्लाइंट को दे रहे हैं, तो हम उन जिम्मेदारियों को सबके साथ बांट रहे हैं। बिजनेस मॉडल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रियल एस्टेट के जो इश्यूज होते हैं वो बहुत कम समय में सॉल्व नहीं होते हैं, मोस्टली लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज होते हैं। तो आप आज तो सोशल कॉज करके स्टार्ट करेंगे, पर जो आपसे जुड़ रहा है जिसकी प्रॉब्लम है, मे बी टेक सिक्स मंथ, मे बी टेक टू, इट टेक टू ईयर्स, तो देन अभी तो नीड प्लान। जो आप कह रहे हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वही होता है, एक आदमी ने फ्लैट खरीदा, उसके बाद बोले वो उसका पोजेशन नहीं देना, क्या करना चाहिए, बोले सिविल सूट कर दो, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ, फिर हर बार वो डेट लेते हैं। ये सारी रिसर्च हमने जब करी तो हमें खुद को अंदर से ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जी? क्या हम इतना प्रेशर सरकार पे नहीं बना सकते कि इसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ ना, इसको एक महीने में क्यों नहीं मिलता? अगर कोई बिल्डर पोजेशन नहीं दे रहा है तो उसके इन्वेस्टर के पैसे वापस नहीं होंगे जी। क्या उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप ऑक्शन करवा सकते? तो इसके लिए तो हम सबको मिलकर प्रेशर एक क्रिएट करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट पे, जो भी उससे संबंधित और वो प्रेशर क्रिएट तभी होगा जब हम लोग भी मजबूत होंगे और हम बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जुड़ेंगे